कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाताओं को राक्षस बोलना सुरजेवाला की मानसिकता को दर्शाता है। रणदीप सुरजेवाला अपना आपा खो चुके हैं, ये उनकी छोटी सोच है। कर्नाटक चुनाव के बाद रणदीप सुरजेवाला ज्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। हम वोटर्स को भगवान मानते हैं, देश को सही दिशा में चलाने के लिए मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग करते हैं। रणदीप सुरजेवाला उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का समर्थन करते वोट करते वो रावण है। रणदीप सुरजेवाला जी, मुझे लगता है कि कर्नाटका के बाद ज़्यादा ही रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। राक्षस जैसी प्रवृत्ति के लोग वोटर्स को बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं, वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है, और ये लोग उसको राक्षस बोलते हैं, ये उनकी